दोस्तों, ट्राई का एक नया रूल्स आ चुका है। अब आपको 100 चैनल्स के लिए 130 रुपीज देने पड़ेंगे अपने DTH या लोकल केबल टीवी ऑपरेटर को। लेकिन ये तो शायद आप जानते ही हैं, तो फिर इस वीडियो को बनाने का क्या मतलब? तो भाई रुको रुको, इस वीडियो में ट्राई के नए रूल्स से रिलेटेड हर वह डाउट आपका क्लियर होगा जो अब तक नहीं हुआ था। तो हाय गाइस, मैं हूं अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल 9X। तो चलिए जानते हैं ट्राई के नए रूल्स को। समझने से पहले इस समझना ज़्यादा जरूरी है कि ट्राई कौन है। देखिए, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम दूर संचार के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और देख रेख का काम करना है। ट्राई का जो नया नियम है उसका एक मेन मकसद इस बात का है कि जो कंज्यूमर चैनल देखना चाहता है वही चैनल्स कंज्यूमर को दिया जाए और ज़बरदस्ती 200 से 300 चैनल ना दिखाए जाए, क्योंकि ट्राई के पास जो डेटा आया है बार के द्वारा उसके हिसाब से लोग मैक्स टू मैक्स 30 से 40 चैनल्स देखते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए ट्राई ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अब हम लोगों को 130 रुपीज़ में 100 चैनल्स चैनल कैपेसिटी के नाम पर देना पड़ेगा। चलिए इसको और डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो तरह के चैनल्स के बारे में समझाऊंगा, एक ST, दूसरा HD चैनल्स। SD यानी स्टैंडर्ड डिफिनेशन चैनल, इसमें हम लोगों को 100 चैनल्स के लिए 130 रुपीज़ पे करना पड़ेगा चैनल कैपेसिटी के नाम पर। मतलब मैक्सिमम चैनल्स की कैपेसिटी 100 रखी गई है। अगर आप 100 चैनल्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे यानी आप 100 चैनल्स से क्रॉस करेंगे, तब आपको 25 चैनल्स के लिए एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये SD और HD दोनों चैनल्स के लिए मान्य होगा। देखिए, जो 100 चैनल्स आपको 130 रुपीज़ में मिलेंगे उसमें 26 चैनल दूरदर्शन के फिक्स रहेंगे, बाकी 76 चैनल फ्री टू एयर चैनल्स होगा, क्योंकि 500 के आसपास फ्री टू एयर चैनल है जिसमें आपको सिर्फ 76 चैनल को सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो इसमें पैड चैनल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैक्सिमम प्राइस जो चैनल रखा गया है, मैक्सिमम प्राइस चैनल का वो है 19 रुपीज़ एंड मिनिमम प्राइस जो है उसका 0.50 यानी 50 पैसे। मान लीजिए अगर आप सोनी 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 सैफ टीवी के चैनल्स को ऐड करते हैं जो कि एक पैड चैनल्स हैं, तब आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। टोटल जितना आएगा उसमें 80% GST ऐड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि HD चैनल यानी हाई डिफिनेशन चैनल्स के दो SD चैनल्स बराबर होंगे एक HD चैनल्स के। 74 चैनल्स को फिर डिवाइड करेंगे हम लोग दो से, यानी 37 चैनल्स हमको सिर्फ 130 रुपीज़ में मिलेंगे हाई डिफिनेशन चैनल के। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF शेयर कर दूंगा जिसमें SD एंड HD चैनल का प्राइस कितना है सब लिखा होगा इंडिविजुअली और बुके के फॉर्म में। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूँ बुके का क्या मतलब होता है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे स्टार प्लस हो गया, गोल्ड हो गया, स्टार गोल्ड, स्टार उत्सव, स्टार न्यूज, इस तरह से और भी चैनल्स हैं स्टार के, तो इसको बोलेंगे स्टार का एक बुके हो गया। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि टीवी देखना महंगा हो गया सस्ता। इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर यही होगा जो PDF मैंने शेयर किया, उसको एक बार आप जाकर देखिए, उसके साथ चैनल को सिलेक्ट करिए, देन उसमें 80% GST ऐड करिए। अगर पिछले जो अमाउंट आप पे कर रहे थे और न्यू अमाउंट को कंपेयर करिए, अगर पिछला अमाउंट ज़्यादा सस्ता हो गया टीवी देखना, अन्य तो उसका अपोजिट हो गया। ट्राई या नया नियम कितना ज़्यादा यूजफुल है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। इससे भी इम्पोर्टेंट बात, 31 जनवरी लास्ट डेट है इसके, इससे पहले आपको चैनल्स चूज कर लेना है। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।